Assalamu alaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you are watching SETS Aptitude Maths Video Lectures on Mathflix by Hashim Zia. मेरा बेटा ये लेक्चर नंबर 2 है. लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरेटिकल एमसीक्यूज देखे थे सेट्स के टॉपिक से जो एप्टीट्यूड साइड पे आते हैं और इस पूरे टॉपिक के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा था और मैंने आपके कई तरह के कॉन्सेप्ट बिल्ड करे थे उस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो के अंदर. इस टॉपिक को लेक्चर नंबर 2 को आज स्टार्ट करने वाले हैं. अगेन एक बात स्टार्टिंग के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेरा बच्चा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. बेतहाशा इजी टॉपिक तभी बहुत से बच्चों को मुश्किल तरीन लगता है टॉपिक. नस साइड, नस बिजनेस स्कूल साइड, IBA साइड, NED साइड, GIKI साइड, फास्ट साइड पूछा जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट और खूबसूरत तरीन टॉपिक सेट्स का लेक्चर नंबर 2. इस टॉपिक के अंदर हम क्या सीखेंगे? यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्टिशन, डिमॉर्गन्स, कॉम्प्लीमेंट और इसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस के एमसीक्यूज को. अगेन ये बात आप तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है. अगर जो नए बच्चे हैं उनको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ. मेरा बच्चा मेरे लेक्चर में शामिल एक एक एमसीक्यूज और एक एक ब्लैंक या एक एक एग्जाम्पल किसी न किसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर का डायरेक्टली क्वेश्चन होता है जो मैं अपने लिंक्स के जरिए अपने सोर्सेज के जरिए यूज करते हुए पहले उनको निकलवाता हूँ एंड देन उसके बाद मैं लेक्चर्स के अंदर शामिल कर रहा होता हूँ. ये क्वेश्चंस बेतहाशा इंपॉर्टेंट होते हैं. ना सिर्फ आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है बल्कि इन लेक्चर्स को हर चैप्टर के लेक्चर को लेने के बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो पर्टिकुलर मटेरियल मिल रहा है प्रैक्टिस मटेरियल का लिंक उसमें से जाके प्रैक्टिस मटेरियल को भी सॉल्व करना है ज़्यादा से ज़्यादा. जितना अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं एप्टीट्यूड के टेस्ट को क्लियर करने के. मेरा बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. सबसे पहले तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है यूनियन का. अब मैंने यूनियन को समझाने के लिए एक तो अंग्रेजी जबान और इसकी मुश्किल तरीन जो है ना एक हिंसों के अंदर मुश्किल तरीन इसकी बात लिख दी. अब बहुत से बच्चों को तो ये बात देख के बेहोश हो जाते हैं, पढ़ने नहीं आता होता. तभी मैंने मैथफ्लिक्स पॉइंट के जरिए आपको आसान जबान में से कन्वे करने का तरीका भी समझाना है. मेरा बच्चा कभी भी दो सेट्स के दरमियान आपसे कहा जाता है यूनियन लो तो इसका ओरिजिनली मतलब ये होता है कि एक्स इंटू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. सर ये क्या कहा सर आपने, फ्रेंच जबान में समझ में नहीं आया. मेरा बच्चा यूनियन का ओरिजिनल मतलब ये होता है. बट अगेन हम इस चीज़ को इस तरीके से नहीं समझेंगे. ये खाली आपको एज एटलीस्ट पता होना चाहिए, डेट्स ऑल. मैं इसको बहुत आसान जबान में कन्वे करूँगा. यूनियन की बेसिक मतलब होता है ऐड करने का. यानी कि कभी भी दो सेट्स के दरमियान अगर यूनियन का सिंबल आ जाए. यूनियन का सिंबल क्या होता है ये? अगेन मैं कह रहा हूँ आज से पहले अपने सेट्स इस तरीके से इतने मज़े से नहीं पढ़ा होगा इंशाल्लाह, तभी आपको इजीली समझ में भी आएगा. कभी भी दो सेट्स के दरमियान अगर यूनियन का सिंबल आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को ऐड करना. तो बेटा यूनियन के जो बेसिक मतलब होते हैं ऐड होने के, यानी कि कभी भी दो सेट्स के दरमियान अगर यूनियन का सिंबल आ रहा है इसका मतलब आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट को सिंपल ऐड कर देना है. अब सर फिर आपने ये क्या लिख दिया? मेरा बेटा ये यूनियन को रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकली एक तरीका होता है. अगेन आपको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है. एक चीज़ हमेशा अपने जहन में रखिएगा, मैथ्स की जबान में और का मतलब होता है ऐड करना. और का मतलब क्या होता है? ऐड करना. ये बात हमेशा रखिएगा. तो बेसिकली मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है दो सिंबल्स के यूनियन को, कि x इंटू एक्स वेयर x बिलोंग्स टू a एडिंग x बिलोंग्स टू b. यानी कि वही बात कर रहा है जो मैंने आसान भाषा में आपको पहले बता दी. तो भाई ये सिंबल मैंने खाली इसलिए बता दिया कि ये ना बोलो कि सर को भी नहीं आता, तो इसलिए मैंने सिंपल तरीके से बता दिया. तो मेरा बच्चा मैथफ्लिक्स पॉइंट क्या है आसान जबान में? आपको पता है कि भाई मेरे चैनल पे अगर पढ़ने के लिए आ रहा हूँ मैं बहुत ईजी करके आपको पढ़ा रहा हूँ. यूनियन का बेसिक मतलब यार ऐड करना होता है, इसको मुश्किल मत किया करो, बहुत ईजी चीज़ है. अब देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, NED साइड पूछा गया एक आसान क्वेश्चन कि मेरे पास दो सेट्स की वैल्यूज गिवन है. एक सेट आ रहा है a, b, c, d और दूसरा सेट आ रहा है b, c, d. इसको चलो e कर लो, e आ रहा है b, e, d. अगेन सेट्स क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, लास्ट लेक्चर बहुत डिटेल में इस बात पे समझा चुका हूं तमाम चीजों के ऊपर. अगर मुझसे कहा जाता है a यूनियन b लेना है तो a यूनियन b का मतलब क्या है? सिंपल तरीके से a और b सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में ऐड करवा दिया जाए. तो भाई दो सेट्स का आपस में क्या लेना है मेरा बेटा? यूनियन. तो भाई इसका मतलब क्या है? दो सेट्स का यूनियन लेने का मतलब क्या है? दोनों को ऐड करवा के एक सेट बना दो. तो मेरा बच्चा दोनों में देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, बी आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा. यानी कि इन तमाम को एक साथ मिला के बस लिख देंगे a, b, c, d, e, f और ये मेरा आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी का. तो भाई ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं? सिंपल तरीके से दो सेट्स को आपस में अगर ऐड करवा दिया जाए बेसिक तरीके से तो क्या बन जाएगा? ए यूनियन बी. एक और एग्जांपल देख लीजिए. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट ए आ रहा है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3. मुझसे कहा जाता है इनका आपस में यूनियन लो,
दूसरे के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, उससे कहा जाता है बताओ इनका यूनियन क्या होगा। तो मेरा बेटा इनका यूनियन क्या होगा, सिंपल तरीके से ये बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि दोनों सेट्स में आने वाले एलिमेंट्स को मिलाकर एक जगह लिख देने को हम यूनियन का सिंबल कहते हैं। सिंपल सी बात है ना, कोई मसले की बात यहाँ तक बहुत आसानी से बात क्लियर करी है। क्लियर है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास टॉपिक आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, अगेन देखो पहले मैंने इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका भी समझाया हुआ है, बट अगेन ये आसान भाषा में समझाऊंगा बेटा, इसको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको एलर्ट मालूम होना चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है पहले मेरी छोटी सी गुजारिश सुन लेना। इंटरसेक्शन के लफ्ज का मतलब सिंपल सा सिंबल होता है, यानी कि यू को उल्टा करके बना देना। भाई मुझे आदत है बेसिक, एक एवरेज बच्चा जो होता है उसके जहन के मुताबिक पढ़ाने की, अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुश्किल जबान में नहीं पढ़ा रहा। देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, यू को उल्टा करके बना देना, और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉमन लेना। यानी कि कभी भी दो सेट्स के दरमियान अगर इंटरसेक्शन का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उन दोनों सेट्स में से जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आपका आंसर होंगे। तो सर फिर ये क्या लिखा हुआ है मेरा बच्चा, ये मोटी मोटी जो D1 D2 की किताबें होती है ना, ओ लेवल्स लेवल्स की, उनमें इस तरह के सिंबल्स बने हुए होते हैं। बच्चा परेशान हो जाता है पहली दफ़ा देख के, बेहोश, पता नहीं सर क्या लिखा हुआ था, समझ भी नहीं आया। अल्लाह के बंदे को आसान चीज़ समझना, पढ़ना सीखो। एक्स इंटू एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एंड का मतलब कॉमन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन या कॉमन, मैथ्स के जमाने में एंड कहते हैं इंटरसेक्शन या कॉमन को। एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि कह रहे हैं कि एक सेट एक्स है तुम्हारे पास, या फिर तुम कह लो कि तुम्हारे पास एक सेट में एलिमेंट है एक्स का जो बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि मेरे पास एक एलिमेंट एक्स आ रहा है जो बिलोंग करता है सेट ए को और सेट बी को, जिनके दरमियान आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। बहुत आसान सी बात कर रहा है कि एक्स एलिमेंट्स हैं, बिलोंग कर रहे हैं सेट ए को, एंड यानी कि इंटरसेक्शन लो किसके दरमियान, सेट बी के दरमियान, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए और उस एलिमेंट्स का सेट लो बी के साथ भी लो। बहुत आसान सी बात, इसको आसान तरीन भाषा में और क्लियर कर लो बेटा, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल तरीके से कॉमन। कोई मुश्किल मैथ समझने की जरूरत ही नहीं है भाई, मैथ मुश्किल नहीं है, मैथ बहुत आसान है अगर तुम आसान बनाना सीखो उसको। अगेन देखो मेरा बच्चा, मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, अगेन क्या कहता है, कहता है सेट ए है और सेट बी है, बताओ इनके दरमियान का इंटरसेक्शन क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन भाई, हलवा क्वेश्चन। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी सेट ए है, और दूसरा सेट क्या है, बी कॉमा ई कॉमा डी, कहा जा रहा है इन दोनों के दरमियान क्या, बताओ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन तुम्हारा आंसर होगा, बताओ भाई इन दोनों सेट्स में क्या कॉमन है, बी और डी खाली कॉमन है, तो आंसर क्या होगा, बी कॉमा डी, आंसर क्या होगा, बी कॉमा डी। तो अभी तक दो बातें पढ़ी, यूनियन क्या होता है, दो सेट्स को आपस में ऐड कर देना, और जो ऐड करवाने पे, यानी कि दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको कंबाइन करके एक जगह लिख दो, तो यूनियन बन जाएगा, तुम्हारा आंसर बन जाएगा यूनियन का। और इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेट्स में जो भी चीज कॉमन आ रही हो तुम्हारा आंसर होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से, अगर मेरे पास सेट ए आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5 और सेट बी आ रहा है 6, 7, 9, 4, अब मुझसे पूछा जाता है बताओ इन दोनों के दरमियान का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, या ए इंटरसेक्शन बी क्या है, भाई बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 4 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, 4। लेट अस सपोज कि अगर दोनों में से कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, तो फिर आंसर क्या होगा, नल सेट होगा। क्लियर है ना बच्चों, ये बातें छोटी छोटी बातें, भाई मैट्रिक क्लास की मैथ्स पढ़ी होगी, अगर ट्यूशन वाली बाजी के बाद जाके नहीं पढ़ा तो फिर अच्छे कॉन्सेप्ट रखते होगे, अगर ट्यूशन वाली बाजी से पढ़ी है मैथ्स तो फिर कॉन्सेप्ट का बिगाड़ा किया है। क्लियर है ना, ये बात छोटी छोटी बातें करिए, बस थोड़ा सा लेवल इंक्रीज किया है, कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सिखाई है बच्चों की तरह, और बाकी चीजें बहुत ईजिली समझी हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात, तो आगे बढ़ते हैं बेटा फिर जल्दी से। अब जिस टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, कहलाता है कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, सबसे ज्यादा एमसीक्यू जो है ना इस टॉपिक से आते हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो सर ये वाला क्वेश्चन भी आता है पेपर में, इतना आसान, मेरा बच्चा इससे मुश्किल आते हैं ना, पहले आसान चीज समझाऊंगा तो मुश्किल चीज समझोगे ना यार, आसान चीज पहले कॉन्सेप्ट उसे क्लियर करूंगा तो मुश्किल चीज पर जाओगे। अब कॉम्प्लीमेंट सुनो, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट की बुनियादी चीज क्या होती है, कभी भी तुम्हारे सेट के डिनोशन वाले सिंबल जो भी है सेट का, उसके ऊपर ये बार बना हुआ आ जाए, दिस बार इज नॉर्मली रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट। अब एक कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी जुगाड़ बाद में समझाता हूँ, पहले मैथमेटिकल तरीका सिखा देता हूँ इसका। क्या कह रहा है, एक्स इंटू एक्स, यानी कि एक्स इज द एलिमेंट, इट बिलोंग्स टू अ यूनिवर्सल सेट, एंड एंड का मतलब क्या बताया, कॉमन, एक्स डज नॉट बिलोंग टू अ सेट ए। सर क्या मतलब सर, ये इतनी मुश्किल रिप्रेजेंटेशन इसकी, भाई ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है।
ये एक्स डज नॉट बिलोंग टू, ये बिलोंग्स के ऊपर हमने एक डैश मारा है, इसका मतलब क्या, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। आसान तरीन तरीका समझा दूं इसका, कॉम्प्लीमेंट निकालने का बड़ा आसान तरीका भाई, बच्चों वाली चीज, मैथ्स मुश्किल नहीं है, टीचर अगर इस लेवल पे तुम्हें मैथ्स पढ़ाते हो तो गलत काम करते हैं, आसान करके पढ़ानी चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से उस सेट को अगर तुम माइनस कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहली बात कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट को फाइंड किया जाता है, कभी भी फॉर एग्जाम्पल तुम्हें सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तरीका क्या होगा, यूनिवर्सल में से उस सेट ए को माइनस कर दो तुम्हारा पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा भाई। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर ये माइनस के सिंबल का मतलब क्या है, सर ये वो वाला माइनस तो नहीं है ना, टू में से थ्री निकाला तो माइनस का वन बचा, सर थ्री में से टू निकाला तो वन बच गया, सर ये वो माइनस तो नहीं होगा, तो फिर इस माइनस का मतलब क्या है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगेन एक छोटी सी मजे की बात बेटा, मेरी शॉर्ट ट्रिक से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको पढ़ लोगे तो आप बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो सेट्स के टॉपिक्स के क्वेश्चंस को। माइनस के साइन का मतलब ये होता है माइनस कॉमन एंड राइट फर्स्ट ब्रैकेट वैल्यूज, ये बहुत छोटी सी मजे की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जुगाड़ बता रहा हूँ, क्या कहा, सेट्स के टॉपिक में इस माइनस का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों सेट्स के दरमियान अगर कभी दो सेट्स के दरमियान कभी माइनस का सिंबल आ रहा है तो दोनों में से कॉमन टर्म्स को क्या करवा दो, माइनस करवा दो, और राइट ओनली फर्स्ट वन, राइट ओनली फर्स्ट वन, यानी कि पहले ब्रैकेट की रिमेनिंग वैल्यूज तुम्हारा आंसर होंगी। सर आपकी बात समझ में नहीं आई, सर आपने क्या बात करी, चलो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहला मैथमेटिक्स पॉइंट क्या दिया, कॉम्प्लीमेंट के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले जो मैंने हमने यहाँ पे मैथमेटिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन करी हुई है उसको समझा दिया, और तो इसका कोई काम नहीं होता हमारे क्वेश्चंस में, बट ये बात आपको पता होनी चाहिए मैथ्स के अंदर। दूसरे नंबर के ऊपर मैंने क्या बात करी भाई, बहुत ही सिंपल तरीन तरीके से आपको एक कॉम्प्लीमेंट सिखा रहा हूँ, यानी कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल में से उस एलिमेंट को माइनस करके। यूनिवर्सल क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें तमाम एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हो हर सेट के, यूनिवर्सल होता है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या, यूनिवर्सल माइनस का जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट है। अब जो ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन बेताशा नस साइड पे भी आया, एनईडी साइड पे भी आया, आईबीए साइड पे भी आया, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आया, एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ऑल्दो इसको डायरेक्टली फाइंड किया जा सकता है एक सेकंड के अंदर, बहुत आसान सी चीज़ है, इसको आगे चल के समझाऊंगा, अभी इसको जरा बेसिक मेथड के ऊपर सिखा देता हूँ कैसे एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे। बेटा क्या बताया, अगर फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं सिंपल एक कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, एक कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करके। यूनिवर्सल का सेट यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा बच्चा, यूनिवर्सल का सेट आ रहा है ए कॉमा बी कॉमा डी कॉमा ई, और माइनस का साइन, ए का सेट क्या आ रहा है, स्मॉल ए कॉमा बी। क्या कहा मैंने, कभी भी दो सेट्स के दरमियान माइनस का सिंबल आ रहा है उसका मतलब क्या होता है, दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट्स रिड्यूस कर दो, खत्म कर दो, और फर्स्ट सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हों वो आपका आंसर होंगे। तो एक कॉम्प्लीमेंट, सिंपल एक कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ जाएगा, डी कॉमा ई। भाई माइनस के सिंबल का मतलब क्या है, दोनों सेट्स में से जो कॉमन टर्म थी वो आपने खत्म कर दी, और फर्स्ट वाले सेट में से जो रिमेनिंग अब वैल्यूज हैं वो आपका आंसर होंगी। मगर हमें तो यहाँ पे क्या निकालना है, एक कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले एक कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, अब इस एक कॉम्प्लीमेंट का एक और कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि अगेन क्या करेंगे, अब की बारी यूनिवर्सल में से एक कॉम्प्लीमेंट को जब माइनस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। तो मेरा बच्चा एक कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है उसको यूनिवर्सल में माइनस करवा दूंगा। यूनिवर्सल सेट क्या है, ए कॉमा बी कॉमा डी कॉमा ई, माइनस करवा दूं अगर उसको ए कॉम्प्लीमेंट से, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, सिंपल डी कॉमा ई। तो माइनस का मतलब क्या है, कॉमन टर्म्स माइनस हो जाएंगी और फर्स्ट ब्रैकेट की खाली वैल्यू लिखी जाएगी। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, एक कॉम्प्लीमेंट की सिंपल ए कॉमा बी, यानी कि ये हमने क्या फाइंड कर लिया, सिंपल ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को। भाई कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन करवाना मंजूर था तो मैंने आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन करवा दिया ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का, ताकि आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका आ जाए। सिंपल तरीके से फाइंड करा, कैसे फाइंड करते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट को, यूनिवर्सल में से अगर उस एलिमेंट को माइनस करवा दिया जाए तो कॉम्प्लीमेंट आया, तो माइनस का मतलब क्या है, मैंने वो भी तरीके से आपको समझा दिया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर किसी बच्चे को मसला हो रहा है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने में, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 और ए सेट की वैल्यू है 1 2, मुझसे कहा जाता है ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करके। यूनिवर्सल की वैल्यू क्या है, 1 2 3, माइनस का साइन, ए की वैल्यू क्या है, 1 2, माइनस का मतलब क्या है, दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स निकाल दिए तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट सेट के वो आपका आंसर होंगे ए कॉम्प्लीमेंट का।
क्लियर है बच्चों, इसको हम डायरेक्टली भी इसका एक आंसर निकाल सकता हूं मैं, वही सेम आंसर आएगा जो ये आएगा, उसको आगे चल के समझाऊंगा, अभी नहीं समझा रहा उसको मैं। क्लियर है यहां तक की बात कॉम्प्लीमेंट की? कोई मसला बेटा, आई होप कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक अब क्लियर होगा आपको। कॉम्प्लीमेंट कभी भी एमसीक्यूज में आ जाए फाइंड करने को आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास वही क्वेश्चन आ गया जो अभी पहले करवा चुका हूँ, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का, यानी कि ए माइनस बी करके जो मैंने पढ़ाया है, बेसिकली डिफरेंस कराते हैं दो सेट्स, यानी वही बात हो गई ना, ए माइनस बी। तो भाई मैं इसको भी ऑल दो कॉम्प्लीमेंट में पढ़ा चुका हूँ, तभी मैंने इसको उसके फौरन बाद रखा है कि आप इसको और अच्छे तरीके से पिक कर सकें कि बेसिकली ये ए माइनस बी या बी माइनस ए का मतलब क्या होता है। बहुत ही आसान सा होता है, ए माइनस बी क्या होता है कि भैया सिंपल तरीके से कभी भी आपको ए में से अगर बी को माइनस करना है, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाता है, एक्स इंटू एक्स इज द एलिमेंट बिलोंग्स टू अ सेट ए एंड यानी कि कॉमन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि सिंपल तरीके से आप एक्स के कोई भी दो सेट्स आ रहे हैं उनके दरमियान अगर आप ए सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाए, माइनस का साइन आ जाए, डिफरेंस का साइन आ जाए, तरीका क्या होगा जो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताया, आप उसको यूज़ करेंगे। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, बट आपको नॉर्मली यूज़ और शॉर्ट ट्रिक करनी है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इस तरीके से अगर आप देखें वही चीज़ लिखी हुई है कि सिंपल तरीके से भाई आपने क्या काम करना है, आपके पास कभी भी दो सेट्स के दरमियान वो माइनस का सिंबल आ रहा है, क्या करोगे भाई, सेट ए और बी के दरमियान अगर डिफरेंस का सिंबल आ रहा है, सिंपल तरीके से दोनों में सेट्स में से जो कॉमन वाले एलिमेंट्स होंगे उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, खत्म कर दोगे, और जो फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो आपका आंसर होंगे। बहुत सिंपल सी बात है, बी माइनस ए के ऊपर यही काम होगा कि भाई बी और ए मेरे पास दो सेट्स आ रहे हैं, मैं माइनस का सिंबल आ रहा है, क्या काम करेंगे, सिंपल तरीके से दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट्स खत्म कर दिए जाएंगे और जो फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो मेरा आंसर होगा। अब अगेन मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, तभी नस साइट पे पूछा गया, नस के नेट 3 2018 और 19 के अंदर आने वाला क्वेश्चन कि ए कॉम्प्लीमेंट माइनस का बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालू। अब बच्चे को पहली ए कॉम्प्लीमेंट वाले निकालेगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, फिर ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालेगा, तो उसका आंसर आएगा कैसे करेंगे सॉल्व, आइए देख लेते हैं। अब देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस का बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें ऐसे क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को इंडिविजुअली फाइंड कर लेना है। अच्छा, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मेरा बच्चा, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करके फाइंड किया जाता है। यूनिवर्सल की वैल्यू आपके सामने गिवन है, क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं बट चूंकि अभी आप बेसिक स्टेज के ऊपर होंगे तो हम पहले तो तरीके से देख लेते हैं। 1, 2, 3, क्या बताया, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सबट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, कभी भी दो सेट्स के दरमियान ये सिंबल आ रहा हो, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स को माइनस कर दिया जाए और जो भी फर्स्ट ब्रैकेट से रिमेनिंग होंगे वो मेरा आंसर होंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 4, 5। फिर फाइंड कर लेंगे जल्दी से बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से बी को निकाल के फाइंड किया जाएगा। यूनिवर्सल का सेट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस का साइन बी के सेट की वैल्यू क्या है मेरा बच्चा, 4, 5। क्या कहा, माइनस के साइन का मतलब, डिफरेंस के साइन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स में आने वाली कॉमन टर्म को काट देंगे, खत्म कर देंगे और फिर सिंपल तरीके से फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स मेरा आंसर होंगे जो कि क्या होगा, 1, 2, 3। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी आ गई, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी आ गई। फाइंड क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस का बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे मेरा बेटा, बहुत ही आसान तरीका। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या था, 4, 5 माइनस का साइन और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई, 1, 2, 3। तो जरा गौर से अब बात को देखिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस कॉम्प्लीमेंट, क्या कहा, माइनस का डिफरेंस के साइन का मतलब क्या होता है, दोनों में से दोनों सेट्स में आने वाले कॉमन साइन को, कॉमन एलिमेंट को खत्म कर देना और फर्स्ट ब्रैकेट की रिमेनिंग वैल्यूज, तो इन दोनों ब्रैकेट्स में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से बचे हुए होंगे, 4, 5 ही मेरा आंसर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट माइनस के बी कॉम्प्लीमेंट का। क्या कहा, दोबारा सुन लीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई। अब जब ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो डिफरेंस के साइन को सॉल्व करने की ट्रिक मैंने क्या बताई, इस माइनस के साइन कभी भी दो सेट्स के दरमियान आ रहा है उसका मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स में आने वाले कॉमन टर्म को, कॉमन एलिमेंट को रिमूव कर देना
और बकाया फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स आपका आंसर होंगे। अब इन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स ही मेरा सिंपल आंसर बन जाएंगे, जो कि क्या होंगे बेटा, 4.5। और इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बताओ भाई, क्लियर है? नहीं क्लियर है? बताओ सेट्स में क्या मुश्किल है? ये सारे के सारे पास पेपर नस के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये बात पहले भी बता चुका हूं, मेरे टॉपिक में आने वाला एक एक क्वेश्चन मेरा बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां तक की बात बेटा क्लियर है? अब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है। अगेन पहले बेसिक से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं क्या कह रहा है। सिंपल सी बात कह रहा है कि ए प्रोडक्ट बी कभी आ रहा हो, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाई बी की फॉर्म में, उसका मैथमेटिकल तरीका क्या होता है लिखने का, एक्स इंटू वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। सिंपल तरीके से दो एलिमेंट्स आए मेरे पास डिफरेंट सेट्स के, उन दोनों को आपस में क्या करना है, अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिख दी है। अगेन ये बड़ी बेसिक चीज है, मैं इसको बहुत आसान तरीके में इसको समझाऊंगा आपको कि इसका मतलब क्या है। भाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। अगर सिंपल नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करना आती है तो सेट्स की मल्टीप्लीकेशन करना भी उतना ही आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल बात को समझते हैं इस एग्जाम्पल के जरिए। मेरे पास एक सेट बी आ रहा है और एक सेट सी आ रहा है। मुझसे कहा जाता है बी मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू बताओ, कैसे निकालेंगे मेरा बच्चा? बहुत ही आसान तरीका, बच्चों वाला तरीका। सिंपल तरीके से सेट बी को लिखूंगा, क्या वैल्यू है इसकी, 2.3, बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल यानी कि मल्टीप्लाई का सिंबल, दूसरे सेट की वैल्यू क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। भैया देखो, दो सेट्स को या दो ब्रैकेट्स को जैसे मल्टीप्लाई करवाते हो वैसे ही दो सेट्स मल्टीप्लाई होंगे। तो क्या आंसर होगा मेरा बच्चा, इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहला सेट का पहला एलिमेंट दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, 2x कॉमा फिर क्या हो जाएगा, 2y कॉमा फिर क्या हो जाएगा, 2z कॉमा फिर 3 जाके x से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 3x कॉमा 3y कॉमा 3z। इस तरीके से हमारे ये सेट्स आपस में कार्टेशियन फॉर्म में लिखे जाएंगे मल्टीप्लाई करके। क्या कहा मैंने मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से दो सेट्स को मल्टीप्लाई करवाया जाता है। अगर मेरे पास दो सेट्स आ रहे हो, एक की वैल्यू है 2.3, दूसरे की वैल्यू x, y, z, x, y, z, सिंपल तरीके से दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। बहुत ही बेसिक सी बात और बेसिक सी चीज जो हम लोगों ने यहाँ पे सीख ली। अच्छा तो बेटा इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक हम लोगों ने बातें सीख ली, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जो बेसिक एमसीक्यूज के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें मुझे आपको समझानी थी ना इस लेक्चर में, वो हमने समझ ली। मगर अभी हमने बहुत बेसिक चीज़ें सीखी हैं, अब ज़रा कुछ अच्छे वाले एमसीक्यूज को सीखना है। मगर उससे पहले हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। आपके सामने इस पेज के ऊपर मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं, अगर आप लोगों ने मेरा मैट्रिक्स का लेक्चर अभी लिया हुआ है तो आपको तीनों चीज़ों के बारे में आइडिया होगा। और अगर नहीं भी लिया हुआ, पहला लेक्चर ले रहा हूँ मेरा, कोई मसले की बात नहीं, यहाँ पर सिखा देता हूँ क्या होती हैं। अब आपके सामने जो 3 चीज़ें हैं मेरा बच्चा, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इनमें से पहले नंबर के ऊपर क्या चीज़ आ रही है, आइडेंपोटेंट सेट्स, या फिर इसको पढ़ने का एक और तरीका भी होता है इडेंपोटेंट सेंस, मगर दोनों सूरतों के अंदर प्रोनाउंसिएशन खाली डिफरेंस है। तो आइडेंपोटेंट क्या होता है, इस बात को पहले समझ लेते हैं। कभी भी आप दो सेट्स के ऊपर कोई भी फंक्शन लो, अगर आपका आंसर वो ओरिजिनल सेट आ रहा हो, अगर आपका आंसर उन दोनों सेम सेट्स के ऊपर लेने के ऊपर सेम ही आ जाए, तो आइडेंपोटेंट सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेट ए का यूनियन ले लूं उसी सेट ए के साथ और आंसर में वही सेट ए आ जाए, देन इट विल बी कॉल्ड एन आइडेंपोटेंट सेट्स। एक और चीज समझ लेते हैं, अगर मैं सेट ए का इंटरसेक्शन ले लूं सेट ए के साथ और आंसर में भी सेट ए आ जाए, देन इट विल ऑल्सो कॉल्ड आइडेंपोटेंट सेट्स। यानी कि ये जो सेट है ये कैसा सेट है, आइडेंपोटेंट। यानी कि मैं इस सेट के ऊपर इसी सेट के साथ कोई भी फंक्शन करूं, आंसर में मुझे यही सेट अगर मिले तो क्या कहलाएगा, आइडेंपोटेंट सेट। यानी कि सेट ए और सेट बी, यानी कि दोनों के दोनों सेट्स एक ही सेट होने चाहिए, उनके ऊपर कोई भी फंक्शन करूं, चाहे यूनियन चाहे इंटरसेक्शन, आंसर में मुझे अगर वही सेट दोबारा मिल रहा है तो ये सेट कैसा है, आइडेंपोटेंट। यानी कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगली चीज समझ लेते हैं, अगले बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, आइडेंटिटी एमसीक्यूज। नाम तो सुना होगा इसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, आइडेंटिटी एमसीक्यूज का क्या हो मतलब है इसका। आप कभी भी एक सेट को किसी दूसरी चीज के साथ यूनियन या इंटरसेक्शन या कोई भी फंक्शन मेजर करवाओ, आंसर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट वापस आ जाए। आइडेंटिटी कहते कैसे हैं कि अगर मैं
अगर मैं 2 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं कि मुझे वापस से फर्स्ट टर्म मिल जाए, जाहिर सी बात है 1 होगा। मैं 2 को ऐसे नंबर से ऐड करवाऊं कि वापस से मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाए, जो 2 होगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता होगा ना, ग्रुप्स के टॉपिक में पढ़ाता हूँ इस चीज़ को मैं बहुत डिटेल के अंदर। क्या होता है आइडेंटिटी? आइडेंटिटी का मायने वही है जो वहाँ पर पढ़ते हो, कि भाई तुम अपने ओरिजिनल सेट को किसी दूसरे सेट के साथ चाहे यूनियन करवाओ या इंटरसेक्शन करवाओ, आंसर में अगर तुम्हें ओरिजिनल सेट यानी कि पहला सेट मिल जाए वापस, तो क्या सेट कहलाएगा? आइडेंटिटी सेट कहलाएगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पे क्या होगा? जाहिर सी बात है इंटरसेक्शन का होगा। यानी कि अगर मैं ए का यूनियन ले लूं इंटरसेक्शन के साथ, ए का यूनियन ले लूं नल सेट के साथ, तो आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए एक सेट है 1, 2, और नल सेट का मतलब तो आपको पता है क्या होता है? 0। तो इनका एडिशन करने के ऊपर, यूनियन करने के ऊपर आंसर वापस से ए आ रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पे मेरा बच्चा जो ये नल सेट आ रहा होगा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा होगा, जिसकी वजह से आइडेंटिटी सेट ए बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए का इंटरसेक्शन करवा दूं यूनिवर्सल सेट के साथ, तो जो आंसर आएगा ना मेरे पास, वो क्या आएगा? वापस से ए आ जाएगा। अगर मैं ए का इंटरसेक्शन करवा दूं किसके साथ? यूनिवर्सल के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन लेना। तो ए और यूनिवर्सल में से कॉमन क्या आएगा? ए ही तो आएगा। भाई सेट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े मजे के होते हैं, अगर तुम थोड़ा सा जहन लगाओ। भाई ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ, जाहिर सी बात है ए सबसेट होगा यूनिवर्सल का, तो ए के एलिमेंट्स यूनिवर्सल में वैसे ही एग्जिस्ट करते होंगे। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन लूंगा तो वापस से ए तो मिलेगा, तो आइडेंटिटी सेट बन गया एक तरीके से। तो आइडेंटिपोटेंट क्या होता है? कभी भी दो सेट्स के दरमियान कोई भी फंक्शन करवाओ, यानी कि एक सेट को उसी सेट के साथ कोई भी उसका फंक्शन करवा दो। अगर मेरे पास एक सेट ए है, उस सेट का मैं उसी के साथ यूनियन करवाऊं या इंटरसेक्शन करवाऊं, अगर आंसर में वापस मुझे एग्जैक्टली अपना ओरिजिनल सेट मिल रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड आइडेंटिपोटेंट। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? कि अगर मेरा ओरिजिनल सेट ए है, उसको मैं किसी दूसरी चीज के साथ यूनिवर्सल, इंटरसेक्शन, कोई भी फंक्शन करवाऊं, मुझे आंसर में अगर मेरा फर्स्ट सेट यानी कि ए ही मिल रहा है ओरिजिनल सेट, देन इट विल बी कॉल्ड आइडेंटिटी सेट। तो सर फिर ये डोमिनेशन सेट कौन सा होता है? ये क्या होता है सर? ये डोमिनेशन सेट क्या होता है? बहुत ही मजे की चीज है। ये आइडेंटिटी का उल्टा होता है, ये आइडेंटिटी का उल्टा होता है। यानी कि अगर मैं ए का इंटरसेक्शन करवा दूं नल सेट के साथ, ए का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, दोनों में क्या कॉमन होगा? नल चीज कॉमन होगी, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा? नल सेट ही तो आएगा। और अगर मैं ए का यूनियन करवा दूं यूनिवर्सल के साथ, तो जाहिर सी बात है ऐड करके यूनिवर्सल ही बन जाएगा। तो आसान जबान में अगर मैं इस बात को कन्वे कर दूं, डोमिनेशन सेट की जुगाड़ क्या होती है? अगर दो सेट्स के दरमियान तुम कोई भी ऑपरेशन करो, आंसर तुम्हारा सेकंड वाले सेट्स आ रहे हो, तो तुम्हारा जो पर्टिकुलर सेट कहलाएगा डोमिनेशन सेट कहलाएगा। आइडेंटिटी सेट क्या होता है? अगर दो सेट्स के दरमियान तुम कोई भी ऑपरेशन करवाओ, आंसर अगर तुम्हारा फर्स्ट सेट ही आ रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड आइडेंटिटी सेट। बहुत बेसिक सी जुगाड़ बताई है, मगर बड़े मजे की बताई। और आइडेंटिपोटेंट सेट क्या होता है? कभी भी मैं एक ओरिजिनल सेट को उसी सेट के साथ उसका यूनिवर्सल या इंटरसेक्शन ले लूं, आंसर में मुझे वही सेट दोबारा मिल जाए, देन इट विल बी कॉल्ड आइडेंटिपोटेंट सेट। आइडेंटिटी क्या होगा? कि अगर मैं एक सेट का यूनिवर्सल या इंटरसेक्शन लूं किसी एलिमेंट के साथ, आंसर है मुझे फर्स्ट सेट ही मिले, फर्स्ट सेट यानी कि पहला सेट मिले, तो कहलाएगा आइडेंटिटी सेट। डोमिनेशन सेट्स क्या होते हैं? कि अगर मैं अपने सेट का अगेन यूनिवर्सल या इंटरसेक्शन लूं किसी और चीज के साथ, और आंसर में दूसरा सेट मिल रहा हो, देन इट विल बी कॉल्ड डोमिनेशन सेट। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको सिखा दी कि आइडेंटिटी के अंदर दो सेट्स के दरमियान अगर आइडेंटिटी सेट एग्जिस्ट करता होगा, तो पहली वाली चीज ही आंसर होगी, पहले वाला सेट ही आंसर होगा। डोमिनेशन में क्या होता है? कि अगर दो सेट्स के दरमियान डोमिनेशन एग्जिस्ट करता है, ये सेट डोमिनेशन सेट की एग्जाम्पल है या नहीं, कैसे पता चलेगा? जो सेकेंड वाली चीज होगी वो मेरा आंसर होगी। बहुत सिंपल सी लॉजिक है, बहुत सिंपल सी बात है। बताओ भाई क्लियर है यहाँ तक की बात? नहीं क्लियर है? क्लियर है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़े मेरा बच्चा, अब हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट आने वाली हैं। ये जो 5 या 6 आपके पास एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, कितने एमसीक्यूज हैं मेरा बेटा? 6 एमसीक्यूज हैं। हर साल इनमें से कोई ना कोई आपके पेपर में लाजमी आता है, चाहे आप नस साइड पे अपेयर हो, चाहे आप आईबीए साइड अपेयर हो, चाहे आप जीआईकेआई साइड अपेयर हो, चाहे आप एनईडी साइड अपेयर हो,
इनमें से एक एमसीक्यूज लाजमी आएगा, ये बेसिक बातें हैं। क्योंकि अच्छा बच्चा पता नहीं इनमें इतना कंफ्यूज होता है कि तुक्का मारता है, 99% बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट के टॉपिक में तुक्का मारते हैं या सेट्स के एमसीक्यूज में तुक्का मारते हैं। अब देखो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा लेवल इंक्रीज कर रहा हूं, तुम्हें सारी बेसिक बातें अब सिखा दी हैं, तुम्हें सारी बेसिक बातें बता दी, तुम्हें इनफैक्ट मुश्किल तरीन बातें ही बता दी हैं। अब भी अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया, अगर मैं 100% श्योर हूं चार ऑप्शन में, तुम फिर भी तुक्का मारोगे। भाई आसानी से बात को समझो ना, आसानी से सेट्स के एमसीक्यू सबसे ईजी होते हैं अगर तुम अपना दिमाग से काम करोगे, सही है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट, क्या बताया ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा भाई, तुम्हारे पास यूनिवर्सल माइनस ए होगा। और अगर कभी तुम्हारे पास आ जाए ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, याद करो इस लेक्चर का दूसरा क्वेश्चन जो मैंने करवाया था वो ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट था कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक में, तो मेरा बच्चा ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, वहां पर मैंने क्या कहा था इसको मैं एक और तरीके से भी करके दिखाऊंगा जल्दी से। ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपको पता है क्या आएगा, सिंपल ए सेट ही आ रहा होगा। अब सेट्स के कभी भी क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चा पैनिक करता है, तुक्का मारने पे जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी सेट के ऐसे क्वेश्चन आए ना, जल्दी से अपने जहन में एक कोई भी सेट सपोज कर लो 1, 2 और एक उसका यूनिवर्सल सेट सपोज कर लो, भाई आसान से सपोज कर लो फौरन से, तो भाई तुमने इसका आंसर निकालना है। तुम्हारा क्या ख्याल है रट्टे मारते हैं अच्छे पढ़ने वाला बच्चा, इसका बच्चा कभी भी इसका रट्टे नहीं मारता। भाई सेट का क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से कोई भी दो एलिमेंट सपोज कर लो, दो सेट सपोज कर लो, एक यूनिवर्सल कर लिया 1, 2, 3, एक उसका सबसेट कर लिया ए। अब जो भी चीज तुमसे पूछी हुई है ना, इससे डिटरमाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ए पूछा हुआ है ना, ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट पूछा हुआ है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना। जब यूनिवर्सल में से ए को माइनस करूंगा, देखो उस वक्त मैंने क्या कहा था, बहुत बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूं, अब बेसिक नहीं पढ़ा रहा, अब जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट दे दिए। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए को निकालना, यूनिवर्सल में से ए को निकालूंगा तो माइनस कॉमन एंड राइट फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 3 आ रहा होगा। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे अगर ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या होगा, जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा उसको यूनिवर्सल में से माइनस करवाऊंगा। मेरा बच्चा यूनिवर्सल की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 3, तो माइनस कॉमन, 3 कॉमन है खत्म हो गया। फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी 1, 2, जो कि दरहकीकत ए की वैल्यू भी है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट वही सेट उसका आंसर होता है, तो ये शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। उस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के डिटेल में करवाया था कि आपको बेसिक तरीके से ओरिजिनल तरीके से भी निकालना आ जाए। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये क्वेश्चन बेतहाशा पेपर में आता है, किसी भी सेट का ट्वाइस कॉम्प्लीमेंट वही सेट उसका आंसर होता है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आंसर क्या होगा, पी ही होगा। ये बहुत बेसिक सी बात आपको लाजमी पता होनी चाहिए। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जरा गौर से देखिएगा भाई, इनके रट्टे नहीं लगते, हाथ जोड़ता हूं रट्टे मत मारना मेरा बच्चा, इसकी मुझसे इतना मेहनत से अगर पढ़ा रहा हूं, 3-3 लेक्चर समझा के पढ़ा रहा हूं, तो उसको वो नहीं करना। भाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से सेट को माइनस करवा देना। अगर यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट मांग रहे, यानी कि यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को माइनस कर देना, इसका मतलब आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, सिंपल सी लॉजिक है। और नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, यूनिवर्सल में से उस चीज को माइनस करना, किस चीज को, नल सेट को, तो यूनिवर्सल में से नल सेट को माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल ही आंसर आएगा। माइनस कॉमन राइट फर्स्ट वन, कॉमन कुछ होगा नहीं तो फर्स्ट वन टर्म की वैल्यू जो भी यूनिवर्सल की होंगी सारी की सारी आंसर होंगी। देखो ये बेसिक चीजें, अगर कॉन्सेप्ट होंगे तो फोन कर सकते हो, नहीं तो 10-10 मिनट लगा दो एमसीक्यूज के ऊपर, सबसे आसान एमसीक्यूज सेट्स के होते हैं। अगला क्वेश्चन, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा, भाई गौर से मेरी बात देखो, ए क्या है, ओरिजिनल सेट होगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, वो तमाम वैल्यूज जो ए में एग्जिस्ट नहीं करेंगी वो ए कॉम्प्लीमेंट में करेंगी। सर कैसे, आप क्या कह रहे हैं, ऐसा समझ में नहीं आया। मैंने कहा तुम्हारे पास एमसीक्यूज आ रहे हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का, ए का मतलब क्या, ओरिजिनल सेट जो भी ए है तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल 1, 2। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दोगे, तो यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट के पास वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो ए में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जैसे यहां पे 3 था जो कि ए में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करवा दूं तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सल मुझे मिल जाएगा, क्योंकि एक के अंदर ओरिजिनल वैल्यूज हैं, एक के अंदर ओरिजिनल ओरिजिनल के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज हैं, दोनों को इकट्ठा कर दूंगा तो यूनिवर्सल मिल जाएगा। भाई नॉर्मल सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है, बताओ क्या मसला है। और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, भाई इसका आंसर तो मेरे बोलने से पहले अपने पास सोच के बैठो ना क्या आंसर होगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, वीडियो को पॉज करो खुद से सोचो क्या आंसर होगा, इतना देखो मेहनत करिए तो ये बात तुम्हें आनी चाहिए। अब देखो ए के अंदर तो ओरिजिनल तमाम एलिमेंट्स होंगे ना, ए के अंदर तो मतलब उसके जो भी एलिमेंट्स सेट के वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट ए वाला नहीं होगा उसके अलावा सारे होंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली कोई चीज कॉमन नहीं होगी तो इंटरसेक्शन क्या होगा, नल सेट होगा। बताओ भाई क्या मसले की बात है, मुझे बताओ इन 6 एमसीक्यूज में जो हमने सॉल्व करे
आज से पहले अगर तुम्हें मुश्किल लगते तो आप बताओ मुश्किल है, कोई मसले की बात, बड़ी सिंपल सी बात करी यार, बहुत सिंपल चीज करी। और कभी अगर फंस भी जाओ ना इनमें, कभी फंस भी जाओ, प्रेशर होगा, मुझे पता है एप्टीट्यूड साइड प्रेशर होता है, सिंपल तरीके से जल्दी से रफ के अंदर जो है ना एक सेट सपोज कर लो यूनिवर्सल, उसमें तीन एलिमेंट डाल दो, और एक सेट सपोज कर लो ए का कोई भी सबसेट ए, और उसमें दो एलिमेंट कोई डाल दो उसके, तो सिंपल तरीके से जो है ना जल्दी जल्दी सॉल्व भी कर सकते हो वैसे भी। तो मेरा बच्चा ये कुछ मेथड्स होते हैं जो आपको लाजमी आने चाहिए, क्लियर है प्यारे बच्चों यहाँ तक की बात। तो आगे बढ़ते हैं डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ के ऊपर जो एक एग्जांपल मुझे बड़ी पसंद है ना साइट की, उसको भी आगे चल के करवाता हूँ, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। डिमॉर्गन लॉ क्या होता है, अगेन ये बात भी बहुत बार पेपर में पूछ ली जाती है मेरा बच्चा, सिंपल सा लॉ होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी पे कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। और अगर कभी भी ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो ये बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो डिमॉर्गन लॉज होते हैं, क्या कह रहा है, कभी भी ए यूनियन बी का आंसर निकालो, उसका कॉम्प्लीमेंट लो, वो हमेशा बराबर होगा अगर मैं पहले इंडिविजुअल ए का कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, इंडिविजुअल बी का कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, और दोनों को आपस में इंटरसेक्शन ले लूँ। सेम गोज फॉर यर डिमॉर्गन लॉज पार्ट टू का कहता है, कभी भी ए और बी का आपस में इंटरसेक्शन ले लो और फिर उस इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लो, वो हमेशा बराबर होगा कि अगर मैं ए का इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट लूं, बी का इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट लूं और बीच में यूनियन लगा दूं। देखो और टीचर्स की तरह अगर पहले मैं ये एमसीक्यूज करवा देता तो मैं घंटा समझ में नहीं आते कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं क्या नहीं होते, अब सारी बातें इंशाल्लाह आप पिक कर रहे होंगे, अब आपको पता है। तो आओ बेटा एक एग्जांपल करते हैं डिमॉर्गन थ्योरम के ऊपर, जो कि नस साइड आईबीए साइड पूछी गई, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, मजा आ जाएगा तुम्हें करके, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे तुम्हारे। मेरा बच्चा वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन जो कि सेट्स के टॉपिक से एमसीक्यूज के तौर पे आया, नस के बिजनेस स्कूल के अंदर भी आ चुका है, नस के इंजीनियरिंग स्कूल में भी आ चुका है, ये ओरिजिनली दो एमसीक्यूज हैं, मैं एक पार्ट करवाऊंगा, एक पार्ट आप खुद से सॉल्व करोगे। आपसे कुछ भी नहीं कहा था इसने, डिमॉर्गन लॉ को प्रूव करने को कहा हुआ था कि आपको उसने क्वेश्चन दे दिया तो कहा था बताओ डिमॉर्गन लॉ इस क्वेश्चन पे प्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता, आपको सिंपल से उसने बात करी थी। इसके ऑप्शंस थे यस नो या वन या टू, मतलब वो तो ऑब्वियसली फजूल गिवन थे दो ऑप्शंस, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे कि सॉल्व करना समझ में आ जाए सेट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब इस क्वेश्चन की खास बात जो थी, जो नस साइड पूछा गया ये कि इसके अंदर उसने प्रॉपर आपको सेट्स के एलिमेंट नहीं गिवन थे, बल्कि वहां पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में काम गिवन था और बच्चे को खुद ही पिक करना था वो एलिमेंट्स भी, डेट वॉज अ मेन की। और ये सेम क्वेश्चन आई बी ए साइड आया तो वहाँ पे इस तरीके की बात के ऊपर पूछा गया था, सिंपल तरीके से बी माइनस ए लिखा हुआ था यहाँ पे, और चार ऑप्शन में एक था बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन, या बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, या एक आ रहा था बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो इस तरह के चार पाँच बेसिकली आपके पास वहाँ पे एम सी क्यूज आ रहे थे। तो जो करेक्ट आंसर है मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया, तो आप इसको आगे प्रूफ कर सको जल्दी से क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा बेटा अब कैसे सॉल्व करेंगे, मैं डिमॉर्गन लॉ वाला पार्ट मैं करवा दूंगा, बाकी ये वाला पार्ट आपको होमवर्क के तौर पे दे दूंगा, सिंपल तरीके से प्रूफ कर दोगे। मेरा बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आई होप कि डिमॉर्गन लॉ पता होगा आप लोगों को, डिमॉर्गन लॉ भी पीछे करवाया ना मालूम ही होगा, सिंपल सी बात है, उसमें मुश्किल चीज़ थोड़ी है, और ये वाली चीज़ भी बड़ी सिंपल सी है, इंटरसेक्शन लेना यूनियन लेना डिफरेंस करना अब सब बच्चों को आ चुका है, अब तुम्हें इस बात में मसला नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन शामिल करने की रीज़न क्या है, ये रीज़न है कि यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर काम नहीं गिवन है, ये रीज़न है क्वेश्चन समझाने की तुम्हें, बाकी तुम्हारा क्या ख्याल है डिमॉर्गन लॉ समझाने के लिए क्या है, नहीं भाई वो यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखा दिया वो तुम लोगों को आता है। इस क्वेश्चन की खास बात ये तीन लाइनें, इस क्वेश्चन की खास बात ये कि इस क्वेश्चन के अंदर उसने बच्चे को यूनिवर्सल का सेट दिया, ए का सेट दिया और बी का सेट दिया, मगर उसने अपने मुंह से वैल्यूज नहीं बताई, बल्कि उसने हिडन अल्फाजों में वैल्यूज दी, कैसे दी वैल्यूज कैसे नहीं दी, इस चीज को पिक करना है इस क्वेश्चन की खास बात। अब देखिए सबसे पहले तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे यहाँ पे जो मुझे सेट्स गिवन है उन सेट्स के एलिमेंट्स पता होने चाहिए कैसे फाइंड करने हैं। अब जो हमारा बेचारा इंटरमीडिएट का बच्चा होता है वो मारा जाता है, क्योंकि मुझे ओ लेवल्स ए लेवल्स के बैकग्राउंड का बच्चा होता है, मेरे जो स्टूडेंट्स ए लेवल ओ लेवल से बैकग्राउंड रखते होते हैं उन्हें तो शायद इन्हें पढ़ना आता होता है, बट मैंने स्टिल तभी इस लेक्चर के अंदर जानबूझ के आपको इसको पढ़ने का तरीका सिखाया कि आप इसको पढ़ना सीख सके मेरा बेटा। मगर जो इंटरमीडिएट का बच्चा होता है ना यहाँ पे आके हिम्मत हार रहा होता है, हालांकि ये उसकी बुक में भी मौजूद है, ये उसे भी मालूम होना चाहिए, बहुत मज़े की चीज़ है भाई। इस क्वेश्चन की खास बात ही क्या है कि सेट्स के एलिमेंट्स आपने खुद फाइंड करने हैं, उसने आपको अंग्रेजी सी जबान में दिया हुआ है, अजीब सी बात करी है, बड़े मज़े की चीज़ है। क्या कह रहा है, कहता है x into x where x belongs to, ये सिंबल कहते हैं, सिंबल कहते हैं belongs को, z का मतलब इंटीजर, x into x where x belongs to इंटीजर, और आगे असल बात लिखी हुई है, ये वाली बात जो मुंह टेढ़ा करके मैं पढ़ रहा हूँ ना, क्या बात है, ये बात सिंपल सी एक उसने इंग्लिश जबान में लिखी हुई है, असल जो चीज है ना वैल्यू वो यहाँ से है, मगर इस बात को भी पढ़ने का तरीका आना चाहिए आपको। ऑल्दो x into x where x belongs to इंटीजर, माइनस का वन
एक्स इज ग्रेटर देन माइनस का 1 बट लेस देन 5. क्या कह रहा है? अब यूनिवर्सल सेट के आपको एलिमेंट्स के बारे में बता रहा है, मगर एग्जामिनर चला के डायरेक्टली नहीं बता रहा, आपको कंडीशन दे रहा है कि आप कंडीशन बनाओ. कहता है जो भाई यूनिवर्सल सेट के अंदर तुम्हारे पास एक्स के एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो एलिमेंट्स एक्स के माइनस वन से उसकी बड़ी वैल्यू है मगर फाइव से छोटी है. अब खुद सोचो माइनस वन से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी तुम्हारे पास. जाहिर सी बात है माइनस वन से बड़ी वैल्यू तुम्हारे पास जीरो हो सकती है. और क्या कह रहे हैं, कहां तक की वैल्यू है? फाइव से छोटी. तो फाइव से छोटा नंबर क्या होगा? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर तक जाएंगे. यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो कॉमा वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर. इस तरीके से यूनिवर्सल सेट के वैल्यूज आ जाएंगी. क्या कहा मैंने, दोबारा सुन लो, क्या कह रहे हैं यूनिवर्सल सेट के लिए? एक्स इंटू एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स. और x की दन वैल्यू बता रहा है, x की रेंज दी हुई है उसने, उस रेंज की वैल्यू बता रहा है कि x जो है बिलोंग करता है माइनस वन से बड़ा है बट फाइव से छोटा है. तो हमने सिंपल तरीके से उस रेंज के ऊपर नंबर्स लिख लिए. अब आगे सेट a के बारे में क्या इंडिकेट कर रहा है? कहते हैं y into y, where y belongs to whole number, where y belongs to whole number. और y की फिर उसने इंडिकेशन बड़े मजे की दी है भाई. ये अब देखो, ये जो आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल है, इसके नीचे डंडी आ रही है, ये गलती से मुझसे बन नहीं गई मेरा बच्चा. इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू. क्या मतलब कि अब वाई की जो रेंज दे रहा है वो क्या दे रहा है, कि वाई की रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू वन है और लेस देन इक्वल टू थ्री है. इस सिंबल का मतलब क्या है? ये सिंबल और इस सिंबल में डिफरेंस है मेरा बच्चा. यहाँ पे सिंबल एक्स बड़ा था माइनस वन से, यहाँ पे सिंबल वाई जो है ये वन से बड़ा भी है, वन के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू आर है तो वन भी काउंट होगा. कहाँ तक जाना है? थ्री से पहले या थ्री के ऊपर, क्योंकि लेस देन इक्वल टू थ्री का सिंबल है. तो क्या रेंज मिल जाएगी मुझे? वन कॉमा टू कॉमा थ्री. और फिर मुझे सेट बी के एलिमेंट्स का दे रहा है. अच्छा, यहाँ पे z होगा तो यहाँ पे भी मेरा बच्चा z होगा, कि z belongs to z, कि z into z, where z belongs to natural numbers, z belongs to natural numbers. और z की रेंज क्या दे रहा है, कि z की जो वैल्यू है ना ये बड़ी है 2 से, z की जो वैल्यू है ये 2 से बड़ी है मगर 4 के बराबर या 4 से छोटी है. z की जो वैल्यू है ये 2 से तो बड़ी है, ग्रेटर देन का सिंबल है और कुछ नीचे ढंडी नहीं है, तो z की वैल्यू 2 से बड़ी है. 2 से बड़ा नंबर क्या होगा? 3. मगर छोटी है 4 से या 4 के बराबर, क्योंकि लेस देन इक्वल टू आ रहा है, या तो 4 या 4 से छोटी. यहाँ पे आ जाएगा 3 कॉमा 4. इस तरीके से हम लोग सिंपल तरीके से फाइंड कर लेंगे सबसे पहले तो इन सेट के एलिमेंट्स को. ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काम मैंने आपको बातों बातों में सिखा दिया कि भैया यूनिवर्सल सेट के वैल्यूज आ गई, ए सेट की वैल्यू आ गई और फिर सेट बी की आ गई. हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली डिमॉर्गन थ्योरम एक तरीके से प्रूफ करने के लिए कहा हुआ था, तो भाई सिंपल तरीके से डिमॉर्गन थ्योरम ले लेते हैं. हमारा डिमॉर्गन थ्योरम क्या होता है, जो प्रूफ करने हमें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले मेरा बच्चा क्या फाइंड कर लेंगे? ए यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे. कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही आसान तरीका. सबसे पहले A यूनियन B को फाइंड कर लेंगे. मेरा बच्चा यहां से चेक कर लो, A की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारे पास? ये आ रही है 1 कॉमा 2 कॉमा 3. यूनियन का सिंबल B की वैल्यू क्या आ रही है? 3 कॉमा 4. तो A यूनियन B का आंसर क्या आ जाएगा? 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4. हमें फाइंड क्या करना है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. कैसे करेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड? के सिंपल तरीके से यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे. यूनिवर्सल की वैल्यू क्या थी मेरा बच्चा? ये है 0, 1, 2, 3, 4. माइनस का सिंबल ए यूनियन बी. ए यूनियन बी की वैल्यू क्या थी? 1, 2, 3, 4. तमाम चीज़ें जो कॉमन थी वो कैंसिल आउट हो गई. डिफरेंस का तरीका से आ चुका हूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो सेट. आपके पास आंसर क्या आ गया सिंपल तरीके से? क्या चीज़ बचा? डिफरेंस का मतलब क्या होता है? दोनों सेट में से जो कॉमन वैल्यू आ रही थी आपने कैंसिल आउट कर दी, तो फर्स्ट सेट की रिमेनिंग वैल्यू आपका आंसर होगी, जो कि क्या थी? जीरो. तो ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन का ये आंसर आ गया. क्या आ गया भाई? सिंपल जीरो वैल्यू बची मेरे पास. अब इसको प्रूफ करना है किसके ऊपर? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर. तो जल्दी से ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लूंगा. क्या होगा? यूनिवर्सल में से ए को निकालना. यूनिवर्सल की वैल्यू जल्दी जल्दी कर लेते हैं भाई. यूनिवर्सल की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू ये रही. यूनिवर्सल माइनस ए क्या होगा? अगर एप्टीट्यूड लेवल पे कर रहा हूं, जल्दी जल्दी करना है. क्या कहा? फर्स्ट सेट के रिमेनिंग वैल्यूज माइनस हटा दो, यानी कॉमन टर्म्स को हटा दो. 1, 2, 3 कॉमन है, हटा दिया. मेरे पास डायरेक्टली ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आ रही होगी? कौन कौन सा कॉमन नहीं है? 0 और 4. तो आंसर क्या आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का मेरा बच्चा? 0, 4. फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे. क्या होगा बी कॉम्प्लीमेंट? यूनिवर्सल माइनस का बी. तो कैसे निकालेंगे यूनिवर्सल माइनस के बी को? बहुत ही आसान तरीका मेरा बेटा. यूनिवर्सल माइनस का बी, ये रहा यूनिवर्सल, ये रहा बी. कॉमन एलिमेंट्स को हटा दो, रिमेनिंग मेरा आंसर होंगे. क्या कॉमन है भाई? 3 और 4 कॉमन है, रिमूव कर दिए. तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ रहा होगा 0, 1, 2
0.1.2, तो बी कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर आ गया। हमें लास्ट में फाइंड क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरा बच्चन, दोनों सेट्स में तो कॉमन आ रहा है जीरो, तो मेरे पास जीरो सेट, इसका भी आंसर आ गया। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जा सकते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, तभी मैंने आपको नस के पास पेपर की एग्जांपल करवाई। इस क्वेश्चन को आप खुद बैठ के सॉल्व कर सकते हैं इसी पैटर्न के ऊपर कि बी गिवन है, ए गिवन है, यूनिवर्सल गिवन है। मेरा बच्चा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अच्छा हो सकता है शायद मैंने यूनिवर्सल को यूनियन का ना कह दिया हो, मेरी जबान पे चढ़ा हुआ था, तो भाई यूनियन यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है, यूनियन नहीं है, अगर मैंने गलती से कह दिया तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यार, क्या काम कर रहा मेरा बच्चा, सबसे पहले ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन निकाल लिया, कैसे निकाला, ए यूनियन बी कर दिया और फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस करके आंसर आ गया जीरो सेट। और फिर हमें दूसरी साइड फाइंड करनी थी जो कि क्या थी, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या काम कर रहा मेरा बच्चा, बहुत ही आसान सा काम, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाली यूनिवर्सल माइनस का ए, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाली यूनिवर्सल माइनस का बी, दोनों को आपस में इंटरसेक्शन ले लिया तो इसका आंसर भी आ गया। इस तरीके से पास्ट पेपर का नस का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा आपका क्या ख्याल है, नस के अंदर इस तरह से क्वेश्चन आएगा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, नहीं मेरा बच्चा, कोई भी ऑब्वियसली एक साइड आपको आएगी और उसका आंसर फाइंड करना होगा, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास और कहा जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और नीचे चार ऑप्शन गिवन होंगे 0, 1, 2, 3 सेट्स या तमाम सेट्स, तो भाई इस तरह से आएंगे। मैंने जानबूझ के यहाँ पे आपको ये भी निकालना सिखाया, ये भी सिखा दिया, अब आप ये और ये खुद निकाल लोगे भाई, इन दोनों को प्रूफ कर दोगे, यानी कि मैंने सिंपल तरीके से आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि आपको इस तरह की वर्डिंग के अंदर सेट्स गिवन हो और आपसे कहा जाए कि भाई ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन निकालो, तो आप निकाल सको, निकालना आ जाए आपको, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक की बात, तो जल्दी से फिर आगे बढ़े, अगर कोई मसला नहीं है तो सिंपल सी बात करिए, मेरे ख्याल में बहुत बेसिक बातें थी मेरा बेटा। सिंपल तरीके से अब एक और हमारा टॉपिक आ रहा है आज के लेक्चर का, बस लास्ट टॉपिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का। अगेन ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट ब्लैंक्स हैं जो मेरा बेटा आपको आनी चाहिए, आपको लाजमी मालूम होना चाहिए, मालूम होगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं साथ साथ बहुत तरीके से कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, ये बेसिक बातें हलवा होनी चाहिए आपके लिए भाई। ए माइनस बी, ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। बहुत बार ब्लैंक्स में एक चीज़ पूछी जाती है कि बताओ दो सेट्स का डिफरेंस क्या उनके इनवर्स डिफरेंस के बराबर होता है, यानी कि बहुत बार ये बात आती है बताओ a माइनस बी क्या b माइनस a के बराबर होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी बराबर नहीं होता, यानी कि सेट a और सेट b का अगर डिफरेंस लूं क्या वो बराबर होगा सेट b और सेट a के डिफरेंस के, नहीं भाई। डिफरेंस का कॉन्सेप्ट ही क्या है कि दो सेट्स के दरमियान डिफरेंस कैसे लेते हो, दोनों में से कॉमन वैल्यूज को खत्म करते हो और पहली वाले सेट की रिमेनिंग वैल्यूज तुम्हारा आंसर होती है। तो यहाँ पे पहला सेट ए है, यहाँ पे पहला सेट बी है, तो कभी भी इनका आंसर सेम नहीं आ सकता। इस कॉन्सेप्ट को आपने हमेशा अपने जहन में रखना है कि दो सेट्स का डिफरेंस उनके उल्टे दो सेट्स के डिफरेंस के बराबर नहीं आएगा, यानी कि ए माइनस बी इज नेवर इक्वल टू बी माइनस ए, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर ए में से अगर ए का डिफरेंस ले लो, भाई डिफरेंस का मतलब ही क्या है, कॉमन वाली चीज को कैंसिल आउट करना फर्स्ट सेट की रिमेनिंग वैल्यूज। जब मैं ए में से ए का डिफरेंस ले रहा हूँ तो ए और ए तमाम चीजें कॉमन होंगी, सारी खत्म हो गई, तो फर्स्ट सेट में कुछ भी नहीं बचेगा, आंसर क्या आ जाएगा, नल सेट। भाई बताओ इसमें क्या मुश्किल है बच्चे, यकीन मानो इन एमसीक्यूज़ पे तुक्का मारते हैं 99% बच्चे जो आप सुन रहे हो मेरा बेटा, आप लाजमी तुक्का मारते हो, बात आपको भी पता है मुझे भी पता है कि आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके लगाते हो, जो आपको जो है ना आयतल कुर्सी के ऊपर जिसका कुरानदाजी निकलती है उसके ऊपर टिक करते हो। सेट्स के क्वेश्चंस बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, काइंडली इसको समझ लीजिए, बहुत तरीके समझा रहा हूं। ए माइनस यूनियन क्या होगा, अगेन बहुत ही मजे की चीज, भाई और समझना मेरी बात। अब तुम सोच रहे हो कि सर इसका आंसर तो ए होगा या सर इसका आंसर जो है ना यूनिवर्सल होगा, क्योंकि ए में से ए का तो नल था ना, अब इसका ए माइनस यूनियन यूनिवर्सल आ रहा है। मेरा बच्चा गौर से देखो, ए माइनस यूनिवर्सल, माइनस का मतलब कॉमन हटा दो, तो ए और यूनिवर्सल में जो कॉमन थे वो रिमूव कर दिए, अब पहले में बचेंगे क्या, कुछ भी तो नहीं बचेगा, तो आंसर क्या होगा, नल होगा। यानी कि अगर यूनिवर्सल, देखो अगर कभी भी सेट्स का कोई एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा ना, जल्दी से यहाँ पे जल्दी से, एक मैंने सेट बना लिया यूनिवर्सल, एक मैंने उसका सबसेट बना लिया छोटा सा, अभी सबसेट वगैरह क्या होता है सब डिटेल में सिखा चुका हूँ, तभी लेक्चर नंबर वन दिया था आपको। अब मुझसे क्या कह रहा है बताओ, ए माइनस यूनिवर्सल क्या होगा, ए माइनस यूनिवर्सल, माइनस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, कॉमन वैल्यू, ए पहला सेट है, ए पहला सेट है, कॉमन वैल्यूज खत्म कर दी और जो रिमेनिंग वैल्यू होगी इस फर्स्ट सेट के अंदर वो मेरा आंसर होगी। रिमेनिंग वैल्यू क्या है, वन और टू में से कॉमन वैल्यूज खत्म कर दी तो कोई रिमेनिंग वैल्यू नहीं होगी, तो आंसर तभी क्या होगा, नल सेट होगा, क्लियर है। और ए माइनस नल सेट क्या होगा, देख लो अगेन मेरे पास ए सेट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1, 2 माइनस का नल सेट, नल सेट यानी कि कुछ भी नहीं है उसमें, खत्म है।
तो मेरा बच्चा जाहिर सी बात है कुछ कॉमन नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? आंसर ऑब्वियसली बात है फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे जो कि ए ही होगा. तो ए माइनस नल सेट का हमेशा आंसर क्या होता है? ए सेट ही होता है. और नल सेट माइनस ए का आंसर क्या होगा? नल सेट होगा. कैसे भाई? नल सेट क्या है? खत्म सेट. माइनस का ए फॉर एग्जाम्पल 1.2 ले रहा हूँ. अब माइनस कॉमन, कॉमन तो कुछ है नहीं, तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या है? नल ही है, तो नल सेट हो जाएगा. अगेन ये बेसिक एमसीक्यूज होते हैं मेरा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपको पता होनी चाहिए. इस टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा. नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे उसके ऊपर बाद में जाऊंगा, बस लास्ट में एक बात कहूंगा बेटा, मैं जो करवा रहा हूँ काइंडली अपनी प्रॉपर एप्टीट्यूड मैथ्स की कॉपी मेंटेन करें. ये वो लेक्चर हैं जो मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ाता हूँ ढाई ढाई घंटा चार चार घंटे लेके, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो बहुत डिटेल में आते हैं, तभी मैंने बहुत डिटेल में समझाएं आपके लिए कि आपकी आसानी हो. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली इसको तरीके से नोट डाउन करें, इसके प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करें. आपके पास कोई भी किताब है अनीस की, आईबीए की, कोई भी किताब है ग्रेड्स की, किप्स के, जो भी नोट्स हैं आपके पास, 10,000 नोट्स होते हैं भाई, हर प्रोविंस के नोट्स डिफरेंट होते हैं. पंजाब से बच्चा आता है सर किप्स के नोट फॉलो कर रहा हूँ, फंक सीरीज फॉलो कर रहा हूँ, कराची का बच्चा सर अनीस की किताबें फॉलो कर रहा हूँ, ग्रेड्स की किताबें फॉलो कर रहा हूँ. तुम कोई भी किताब फॉलो करो, लेक्चर कॉपी मेंटेन करो, लेक्चर के क्वेश्चंस को लाजमी उतारो, तरीके से काम करो, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस मटेरियल को लाजमी सॉल्व करो. अगर किसी इंस्टीट्यूट में पहुंचने का ख्वाब रखते हो तो अपने साथ सिंसियरिटी शो करो. तो भाई हम जहाँ पहुंचना चाहते थे हम तो शायद वहाँ पहुंच गए, अब आप कहाँ पहुंचना चाहते हो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर. तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाजमी 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 अपने लिए मेहनत करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो मेरा बच्चा, मेहनत करोगे तो कामयाब होगे. बहुत सारे बच्चे डिप्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं, सर वो पता नहीं सर समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ें. अभी क्या समझ में नहीं आ रहा, सारे लेक्चर्स मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा अवेलेबल हैं, उनको खुद भी लो, अपने दोस्तों से भी शेयर करो, अपने जूनियर से शेयर करो, सबका जारी है समझ के. मैंने ये काम आप लोगों के लिए करा, तो काइंडली इस चीज़ को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, शेयरिंग ज़रूर करिएगा इसकी, अपने दोस्तों को अपने कज़नों को लाजमी बताइएगा. यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वेन डायग्राम को समझेंगे, एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम को समझेंगे, और वो लास्ट लेक्चर हुआ सेट्स के टॉपिक का. जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जब तक दोबारा मुलाकात नहीं होती, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच. हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ.